इंदौर में एक शेरनी ने अपने ही दो बच्चों को खा जाने का मामला सामने आया। यह घटना इंदौर के प्राणी संग्रहालय में हुई। जानकारी के अनुसार इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 18 दिन पहले लॉयन के परिवार में जन्मे 3 शावकों में से 2 को मां बिजली खा गई। घटना 4-5 दिन पहले की है, लेकिन जीव प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी। बिजली ने दोनों शावकों को पूरी तरह खा लिया, सिर्फ गर्दन का कुछ हिस्सा छोड़ा। हालांकि जिस पिंजरे में बिजली ने शावकों को जन्म दिया था, वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। बिल्ली और श्वान भी खा जाते हैं अपने बच्चे। जबकि पहले हुई इस तरह की घटना के बाद तय किया था कि सभी पिंजरों में कैमरे लगाए जाएंगे। पशु विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि इस स्थिति को कैनोवोल्जियम कहा जाता है। यह वह परिस्थिति है जब शावक कमजोर, बीमार या सुस्त पैदा होता है तो माँ ही उसे मार देती है। ये जो हमारी बिजली नाम की लायरेंस थी, फर्स्ट टाइम उसने बर्थ दिया था, 3 कप को बर्थ दिया था उसने। इसमें 2 कप को अनफॉर्चुनेटली उसने खा लिया है। ऐसी प्रोसेस है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और एक अनफॉर्चुनेट पार्ट था जिसमें 2 बच्चों को उसने खा लिया था।